अगले 10 सालों में धरती से कौन कौन से जानवर विलुप्त हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। नंबर 1, अफ्रीकन राइनोज। अफ्रीका के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा जानवरों की प्रजाति पाई जाती है, इनमें से एक राइनोज भी थे, पर पिछले कुछ सालों में उनकी शिकार बहुत ज्यादा बढ़ गई है सिर्फ उनके सिंगों के लिए, जिनकी ब्लैक मार्केट में कीमत करोड़ों में होती है। इसी वजह से हर साल हजारों गेंडे इसी तरह से मारे जाते हैं और दुनिया में बचे हुए 25,000 गेंडे भी अगले 10 सालों में विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 2, हाथी। जंगल की शान कहलाए जाने वाले ये विशाल प्राणी धरती पर सिर्फ 4,15,000 ही बचे हैं और हर साल उनके दांतों लिए 20,000 से भी ज्यादा हाथी मारे जाते हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 सालों में हाथी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। नंबर 3, जानने से पहले इंडिया से हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने फोन की बैटरी परसेंटेज भी कमेंट कर देना, देखते हैं किसकी सबसे ज्यादा है। नंबर 3, इंडिया का नेशनल एनिमल बाघ। इस पूरी दुनिया में सिर्फ 13,000 बाघ बचे हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा शिकार की जाती है और जंगल नष्टीकरण की वजह से ये अगले 7 से 8 सालों में पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। क्या आपने कभी बाघ देखा है? कमेंट कर देना।